तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर, जिसको कि हम हल सही दिखाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखें। आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपने सभी कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और सब कुछ याद भी कर लिया होगा, मगर दोस्तों अभी तक आपके मन में सिर्फ यही डर सता रहा होगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान भी हमने आपके लिए कर दिया है। जल्द ही दोस्तों अभी मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आपको दोस्तों हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और किस आधार पर दोस्तों आपको इनके क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो इस प्रकार का होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 हिंदी विषय, और दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको हल करने के लिए समय मिलेगा 3 घंटे का, और दोस्तों आपका जो पूर्णांक होगा वो होगा 80 अंकों का। पूरी तरह से आप यहां से इन चीजों को नोट कर सकते हो। और उसी के अलावा अगर आगे बात की जाए दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला होगा इसको आपको 3 घंटे में हल करना है और पूरा इसको हल करने का आपको 80 अंक मिलेगा अगर आपने सारे क्वेश्चन हल कर दिए तो। और उसी के नीचे दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो ये निर्देश दिए गए हैं आपके पेपर से संबंधित, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि इन निर्देशों को भली भांति पूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि ये निर्देश आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो दोस्तों देखिएगा ये पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा उसका फर्स्ट पेज इस प्रकार से आएगा। और आगे बढ़ते हैं अब और इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन बना लेना चाहिए। तो दोस्तों आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये है आपका हिंदी विषय का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन आपको किस प्रकार से करना है, पहला सही विकल्प दे रखा है इसमें, आप यहाँ से देख पा रहे हो क्या लिखा है पहले सही विकल्प में, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आयु, स्मृति, युवा, बुढ़ापा। तो देखिएगा दोस्तों उम्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको बताना था, जो कि दोस्तों क्या है, आयु है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आयु आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, सेहत को, रहमत को, सहमत को और मेहनत को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेहनत को। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। देखिएगा दोस्तों अब यहाँ पर आग से संबंधित शब्द क्या है, शोभा है, अग्नि है, समीर है, चिंगारी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अग्नि। वह उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं वे हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऐसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है दोस्तों उसको अस्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्त्र। अगला देखते हैं कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं, उपसर्ग, परसर्ग, अव्यय, क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका परसर्ग, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। इसके अलावा 6ठा क्वेश्चन दे रखा है पदेन रा का चिन्ह है, पदेन रा का चिन्ह क्या है दोस्तों, तो इसमें आपका आ जाएगा ये वाला। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स थे उन सभी के उत्तर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपने नोट भी कर ली होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। जी हाँ दोस्तों रिक्त स्थान आपसे 7 अंकों में पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलिएगा वन बाय वन करके सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान दे रखा है आपका, देखिएगा क्या लिखा है पहले रिक्त स्थान में,
दो के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वर्ण आ जाएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ रुपयों की राशि एकत्रित की, 5 बार या 6 बार? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 बार। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जो ब्रिज कोर्स की किताब है उससे लिए गए क्वेश्चन हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल ये कविता किस कवि ने लिखी? तो ये कविता है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की, इनके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं, इसी में राजा शब्द का विलोम शब्द है, राजा शब्द का विलोम ये तो बहुत ही सरल है, रानी है। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें प्रत्यय है आहट, कौन सा है? आहट। व उसी के अलावा अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, धोखे से सफलता पाने से होना सम्माननीय है। देखिएगा दोस्तों, धोखे से सफलता पाने से ज़्यादा असफल होना सम्माननीय है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह उसी के अलावा अगर अगला देखा जाए, एक दिन भोज का पाठ किस विधा में लिखा गया है, आत्मकथा में या डायरी में? तो दोस्तों ये जो पाठ है डायरी विधा का पाठ है, आपको ये चिन्ह लगा लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से हल कर लिया है, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिया गया है, नीचे लिखे कथन वाक्य को सत्य या असत्य बताइए। देखिएगा, सत्य और असत्य आप कैसे छाटोगे? बैल को गधे का छोटा भाई कहा जा गया है, ये सही है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था, तो ये भी सही है। वंशीधर को मिर्ची के दारोगा की नौकरी मिल गई, तो ये पूरी तरह से आपका असत्य है। अगला लिखा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के 3 पक्के दोस्त थे, तो ये भी सही है। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, जी दोस्तों दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को तो समास कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है, तो देखिएगा ये वाला जो दे रखा है ये भी आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ये सही गलत हमने देख लिए हैं। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आप इस जगह पर देख पा रहे हो, जोड़ी का मिलान करते हैं, तो जोड़ी में पहली जोड़ी दे रही की है युक्ति भिड़ाना, तो युक्ति भिड़ाना की जोड़ी किससे मिल जाएगी दोस्तों आपकी? जुगत भिड़ाना से। तिल का ताड़ बनाना यानी कि बात का बड़ा चढ़ा कर कहना। व्यंजन, व्यंजन क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन को पकवान भी कहते हैं। सूरी के बेलों के नाम क्या है? हीरा और मोती है। अतिथि को कौन क्या होता है? मेहमान होता है अतिथि। तो ये आपको इस प्रकार से कर लेना दोस्तों, दसों इनमें डर नहीं और इसका मौत का ये घर नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर से हमें ये देख लेना है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखने हैं और इनके आपको 7 अंक मिलेंगे। तो देखिएगा, पहला जो दे रखा है वो क्या लिखा है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, बुरे समय में पैसे कौन बचा कर रखता है? तो बुरे समय में दोस्तों समझदार व्यक्ति पैसे बचा कर रखता है, तो इसका राइट आ जाएगा समझदार। तो समझदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, पापड़ की बात किस कहानी में कही गई? पापड़ की बात किस कहानी में कही गई? तो पापड़ की बात मिजवान कहानी में कही गई, मिजवान, ये आपको लिख लेना है। व उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों फ्लोरिडा में है। कहाँ पर है? फ्लोरिडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा, आपको ये इसका राइट आंसर लिख लेना है। व उसी के अलावा अगला लिखा है, इस जगह से आप देख पा रहे हो, पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था? तो ये सिखाया था दोस्तों पंडित प्रताप नारायण जी ने। क्या लिखोगे आप? पंडित प्रताप नारायण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित प्रताप नारायण जी ने तबला बजाना सिखाया था। व उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है? तो अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है दोस्तों? तो अलोपीदीन कहानी का पात्र है नमक का दरोगा, नमक का दारोगा, तो ये इस कहानी का पात्र है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व उसके अलावा अगर आगे देखा जाए, तो अगला आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पंडित अलोपीदीन का देख लिया था, और इसके अलावा गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो देखिएगा, ये ली गई है सूरज का विवाह, किससे ली गई है? सूरज का ब्याह, का ब्याह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला दे रखा है, नारीश्वर शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नारी धन ईश्वर।
तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, देखिएगा। पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन कौन कौन सी चीज़ों बनाई, ये आपको पूरा देख लेना है, ये देख लेने हैं। व उसी के अलावा कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चन के आंसर तैयार कर ले दोस्तों। और अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे, मगर दोस्तों ये सारी चीज़ें इस वीडियो में शामिल नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इससे वीडियो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इस आधार पर तैयार कर लें, और आप इससे भी आपका मिलान कर सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये तैयारी कर लेनी है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा तैयार करना है। और इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को आप सभी को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, जिससे कि ये वीडियो आप जैसे सभी दोस्तों तक पहुंच सके और सभी लोग परीक्षा के पहले इन वीडियो को देख सकें और सभी लोग इन परीक्षाओं में पास हो सकें। दोस्तों इसी के साथ में आप सभी को मैं परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ, और इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।